नमस्कार दोस्तों, बी हेल्दी चैनल के आज के इस नए वीडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको हेल्थ विद फिटनेस के ZM में डाइटरी फूड सप्लीमेंट के बारे में, इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ इसके यूजर्स और बेनिफिट्स के बारे में कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। इस ZM में फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल कौन से लोग कर सकते हैं, कौन से लोग नहीं कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल से हमारे हेल्थ रिलेटेड कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो अगर आप किसी बेस्ट और रिजल्ट ओरिएंटेड ZM फूड सप्लीमेंट की तलाश में हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ताकि इस ZM फूड सप्लीमेंट के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी हो सके और इसको प्रॉपर तरीके से यूज करके आप इसका बेनिफिट्स ले सकें। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है हमें हेल्थफिट द्वारा मार्केट में उपलब्ध कराया जाता है और ये 90 कैप्सूल्स के पैक में उपलब्ध होता है जिसकी MRP 1100 रुपये की होती है, लेकिन इसको आप काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से परचेज कर सकते हैं, नहीं तो जितने भी कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। मैंने इसको Amazon से परचेज किया था और वहाँ पे ये मुझे 55% डिस्काउंट के साथ 499 रुपये में मिल गया था। अगर आपको इसकी ज़रूरत होती है, इसकी आवश्यकता होती है, आपको इसको परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपकी सुविधा के लिए इसके सभी ओरिजिनल लिंक्स अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस लिंक को फॉलो करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। भैया हम बात करते हैं इस ZM फूड सप्लीमेंट के यूजेस और बेनिफिट्स की। तो ये जो ZM होता है एक नेचुरल मिनरल फूड सप्लीमेंट होता है जिसमें जिंक, मैग्नीशियम एस्पार्टेट और विटामिन B6 का कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है। इसमें जो जिंक होता है ये हमारे शरीर के इम्यून पावर को बढ़ाने का काम करता है, साथ ही ये हमारे मसल्स को मजबूत बनाने का काम करता है। इसके साथ ही इसमें जो मैग्नीशियम होता है ये हमारे शरीर के मसल्स ब्रेकडाउन को ठीक करने में मदद करता है, उसको रिपेयर करने में मदद करता है, ये मसल्स के हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसके साथ ही ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाने का काम करता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है जिसके वजह से हमारे शरीर का अच्छे से ग्रोथ होता है। मैग्नीशियम हमारे शरीर को अच्छी नींद प्रदान करता है जिसके वजह से हमारा शरीर अगले दिन के हार्ड वर्क के लिए तैयार होता है। इसके साथ ही इस ZM फूड सप्लीमेंट में जो विटामिन B6 होता है वो हमारे शरीर के एनर्जी लेवल को बूस्ट करके हमारे शरीर को एक स्ट्रेंथ प्रदान करता है। अब आइए हम बात करते हैं कि इस ZM फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल कौन कौन से लोग कर सकते हैं। तो अगर आप जिम गोइंग पर्सन है, यानी कि आप हार्ड वर्क करते हैं, वर्कआउट करते हैं और आपके शरीर से बहुत ज्यादा मात्रा में पसीना निकलता है तो आपको इस फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये जो ZM फूड सप्लीमेंट है आपके पसीने के माध्यम से निकलने वाले मिनरल्स को मेंटेन करने में मदद करता है, उसके कमी आपके शरीर में होने नहीं देता है जिसकी वजह से जो आपके मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं, क्रैक आता है मसल्स में, उसको रिपेयर करने में आपको हेल्प मिलती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर के एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है जिसके वजह से जो आपके वर्कआउट करने की ताकत होती है वो बढ़ जाती है, उसको आप दुगनी रफ्तार से पूरा करते हैं। अब आइए बात करते हैं ZM फूड सप्लीमेंट के डोजेस की। तो आप इसका 2 से 3 कैप्सूल्स रात में सोने से पहले, खाना खाने से पहले ले सकते हैं। ये जो डोज है आपके जो डेली रिक्वायरमेंट है मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन B6 की वो पूरी कर देता है। जहां तक इस ZM फूड सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट्स की बात है तो इसका कोई भी ऐसा सीवियर साइड इफेक्ट्स हमारे शरीर को नहीं होता है। ओवरडोज के वजह से हमारे पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है या डिसेंट्री की प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये बात करते हैं कि इस नेचुरिस के ZM सप्लीमेंट का इस्तेमाल कौन कौन से लोग कर सकते हैं। तो वो लोग इस फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, जिम गोइंग पर्सन है, जिनको पसीना ज़्यादा मात्रा में निकलता है वो लोग इस फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी डाइट कंप्लीट नहीं होती है, प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं जिसके माध्यम से उनको जिंक मैग्नीशियम पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता है, शरीर के रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, वो लोग इस फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की दी गई जानकारी आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।